उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन, आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महामानव तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं विश्व के ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहब अंबेडकर, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु आर्य नागार्जुन भदंत सुरेश साई, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उसी प्रकार युशियन बुद्धा, देखने वाले सुनने वाले सभी श्रावक संघ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके सामने नैतिकता के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाता हूँ। तो नैतिकता जो है, हमारे ग्रुप में नैतिकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नैतिकता है। लेकिन हमारा जो सही में जो नुकसान हो रहा है कि हर संघ की विचारधारा अलग अलग रहने की वजह से, उनके जो नेतृत्व है, हर एक संघ का नेतृत्व अलग है और नेतृत्व अलग होने से उनकी विचारधारा अलग है, हर एक पक्ष के मापदंड एक है। भला ही हमारे महापुरुष एक होंगे, लेकिन हर एक पक्ष की विचारधारा अलग अलग है और उनके मापदंड अलग अलग होने के वजह से हम दलगत में फंसे हुए, एक दल में हम फंसे हुए और समाज, एक समाज हम नहीं बना पा रहे। और उससे जो हमारा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये हो रहा है कि समान मापदंड नहीं होने के वजह से, क्या समान मापदंड नहीं होने से और समान स्तर नहीं होने से, इसके अभाव से जो परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज नहीं बन पा रहा है, समाज मिलजुल के रहने वाला नहीं बन पा रहा है। आप कई बार देखते होंगे कि अंबेडकरवादी पक्ष के लोग, अलग अलग पक्ष के लोग, भला ही वो बाबा साहब अंबेडकर को मानते होंगे, जय भीम कहते होंगे, लेकिन आपस में झगड़ते समय हमने कई बार देखा और एक मेक को गाली गलौज देते समय भी हमने कई बार देखा। इस पर भी व्हाट्सएप पर भी आप देखिए तो एक मेक के प्रति इतना घृणा भाव होता है, द्वेष भाव होता है। तो इस वजह से मिलजुल कर रहने वाला समाज नहीं बन पाता और हमारे जो व्यक्ति के मन में, हर एक व्यक्ति के मन में एक सामंजस्यपना होना चाहिए, एक साम्य समानता की भावना होना चाहिए, समता भाव होना चाहिए, वो भाव नहीं हो पा रहा, समता भाव नए मन में नहीं हो पा रहा। हमारे मन में द्वेष निर्माण हो रहा, हमारे मन में घृणा निर्माण हो रही और इसका जो परिणाम है,
एक दल दूसरे दल पर श्रेष्ठता कायम करना चाहता है, एक दल एक पक्ष दूसरे पक्ष पर, एक दल दूसरे पक्ष में उसको पीछे पीछे लेकर के स्वयं आगे बढ़ाना चाहता है, और मैं आगे कैसा बढ़ूं और उसका दूसरे पक्ष का नुकसान कैसा करूं, इस बारे में सोचते रहते हमेशा कि मेरा पक्ष कैसा आगे बढ़े, मेरा दल कैसा आगे बढ़े और दूसरे का दल कैसा ख़त्म करूं, उसके दल को कैसा मैं नुकसान पहुंचाऊं। इस तरह की जो आपस में हमारी स्पर्धा चलती है, अपने अपने दल के इसमें चलती है, और इसी कारण हमारा एक भी दल ज़्यादा साल तक नहीं टिक पाता, दल के अंदर एक दूसरा दल बन जाता है, ऐसे कई दल के अंदर दल बनते गए। और आज हम चुनाव में भी देखते हैं तो अंबेडकरवाद को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा चुनाव में खड़े रहते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा उनकी संख्या रहते चुनाव में खड़े रहने की। ये क्यों होता होगा, उसके उसको गहराई से आप उसका चिंतन करो। ये सब हो रहा हो मन में समता भाव नहीं होने के वजह से, आपस में द्वेष होने के वजह से, मन में एक मेक के प्रति मत्सर होने के वजह से और अहंकार होने के वजह से हम एक साथ नहीं चल पा रहे और एक मेक को पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे समाज का नुकसान हो रहा है, समाज का कोई भला नहीं हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये बातें बाबा साहब ने लिखी है। और आप इस बात को अगर पढ़ना चाहते हो तो बुद्धायन धम्मा में जो नैतिकता पवित्र होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, इस चैप्टर को आप देखो और गहराई से पढ़ो तो ये सब बातें आपके समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो, आप लोग मेरे से ज़्यादा विद्वान हो, निश्चित रूप से मेरे से ज़्यादा आप गहराई से चिंतन कर सकते हो और गहराई से आप उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद उसका चिंतन करो, चिंतन करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि समाज का, हमारे समाज का, हमारे लोग किस तरह से नुकसान कर रहे हैं, ये बात आपके समझ में आ जाएगी। इसीलिए हमने अवश्य ऐसे इसी वजह से, इसी के परिणाम स्वरूप मन में द्वेष पैदा होने से, मन में घृणा पैदा होने से, एक दल दूसरे दल पर श्रेष्ठता कायम करने के लिए आगे बढ़ने की वजह से हमारे आपस में कलह निर्माण हो रहे और हम आपस में ही टकरा रहे, एक मेक के बारे में हम आपस में ही टकरा रहे हैं और आपस में ही हमारा संघर्ष हो रहा है। दूसरा आप संघ देखिए, अनेक लोगों के संघ हैं, उनके संघ के मापदंड एक है, स्तर एक है और उनकी विचारधारा एक है। भला इस संगठन के नाम अलग अलग है, संगठन के नाम अलग अलग है, उनके संगठन के प्रमुख जो नेता है वो अलग अलग है, लेकिन विचारधारा और उनके मापदंड, उनके आदर्श वो एक है। और हम ये ऐसी बात हमारे में हो नहीं पा रही है, हम ऐसी बात को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें बड़ी चिंता है कि आगे और 10-15 साल में और कितने पक्ष के अंदर पक्ष हो जाएंगे, नेता के अंदर कितने और नेता पैदा हो जाएंगे और कैसी हमारी स्थिति बनेगी। इस बारे में हम अगर सोचते हैं तो हमारे सामने जो हमारे समाज के का जो चित्र है
वो सही नजर नहीं आता। इसलिए हमको अगर कलह रोकना है, समाज को एक संघ बनाना आवश्यक है, समाज के विचारधारा को एक बनाना आवश्यक है, हमारे जो कुशल नेतृत्व है हमारे संघ का, वो आपस में चर्चा करे बैठ करके और एक एक नीति बनाए, नैतिकता के आधार पर, नैतिक मूल्य के आधार पर एक अच्छी नीति बनाए और मिलजुल कर रहने वाला समाज हम निर्माण करें। एक अगर नीति बन जाती है, एक स्तर बन जाता है, हमारे एक मापदंड बन जाते हैं, भलाए हमारे नेता अलग हो, भलाए हमारे संगठन अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब एक मापदंड में, एक विचारधारा में, एक स्तर पर अगर इकट्ठा से आ सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो हमारा भविष्य दिखाई देगा वो निश्चित रूप से अच्छा भविष्य होगा, हमारा जो भविष्य अच्छा बनने हो जाएगा। तो हम भविष्य के बारे में सोचें तो इस तरह से नैतिकता अगर असामाजिक हो जाती है, एंटी सोशल मूवमेंट हो जाती है, तो इस तरह का हमारा नुकसान हो जाता है। और ये कौन बनाते हैं अलग अलग संघ? जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, जो इसके पास कुछ ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा बुद्धिमान है, या जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ये कोई ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऐसे आदमी किसी के अंडर में, किसी के नियंत्रण में काम करना नहीं चाहते और अपनी अलग छोटी सी विचारधारा लेकर के, अपने अलग मापदंड बना करके वो अपना अलग मूवमेंट करना चाहते हैं। इससे कलह बढ़ेगा, इससे समाज का नुकसान हो जाएगा। तो इससे ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बारे में बाबा साहब ने जो लिखा है, जो बुद्धायन धम्मा में बताया है, उस बात पर अभी हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। किसलिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति बनी, कलह निर्माण हो रहा समाज के अंदर, समाज के अंदर मिलजुल के रहने वाला समाज नहीं बन पा रहा, समाज के अंदर समता भाव धीरे धीरे कम हो रहा एक में के प्रति, ऐसे समय में कलह होना निश्चित है। और इस कलह को रोकने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमको क्या बताया, उस बारे में हम आपके सामने अभी बात रखते हैं। तो समाज में स्वतंत्रता और अनुशासन हो, समाज में स्वतंत्रता और अनुशासन होना आवश्यक है। स्वतंत्रता दे दो, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा तो तुम्हारा वो कोई गुलाम नहीं बना, उसको जहां जाना है जाने दो, जहां भी किसी के मंच पर जाना है तो जाने, उसको प्रतिबंध मत लगाओ, उसको स्वतंत्र रखो। आप भी दूसरे के मंच पे जाओ, दूसरे भी आपके मंच पे आएगा, ऐसे आपस में मिलाप रखो और समाज का अनुशासन रखो। अपने पक्ष का अनुशासन से ज़्यादा समाज अनुशासित होना चाहिए, समाज के तरफ आप ज़्यादा ध्यान दो, तभी हम समाज को इकट्ठा कर सकेंगे। समाज में अनुशासन हो और समाज में स्वतंत्रता हो। दूसरा, जो नैतिकता है वो नैतिकता पवित्र होना चाहिए, हर एक के मन में नैतिक मूल्य होना चाहिए, हर एक पक्ष में नैतिक मूल्य होना चाहिए, चाहे राजकीय पक्ष हो तो क्या उसमें नैतिक मूल्य नहीं होना चाहिए? सिर्फ नैतिक मूल्य धम्म के क्षेत्र में ही होना चाहिए? सामाजिक क्षेत्र में नैतिक मूल्य होना चाहिए? क्या
राजनीति में हमें नैतिक मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर तो चाहते हैं कि सभी जगह नैतिक मूल्य की आवश्यकता है, सभी संस्था में, सभी दल में और सभी पक्ष में नैतिकता की आवश्यकता है। वो भी नैतिकता कैसी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जो हमारे कुशल नेतृत्व है वो पवित्र होना चाहिए, जो हमारे जिला के प्रतिनिधि है वो पवित्र होना चाहिए, जो हमारे तालुका के प्रतिनिधि है वो पवित्र होना चाहिए, उनकी नैतिकता पवित्र होना चाहिए, उनमें अनुशासन होना चाहिए, उनका आचरण सही आचरण होना चाहिए। क्या ऐसा हमारे तालुका के जो हमारे नेता है, जिला के प्रभारी है, क्या हमको इस तरह से लगता है, इस तरह का नज़ारा हम देखते हैं, दिखाई देता है कि इनमें नैतिकता हो? महिलाओं का संघ देखिए आप, हमारे महिलाओं का संघ पुरुष के संघ से भी आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसी तरह से रहेंगे तो एक दिन महिलाओं का संघ आकर के आपके अधिकार छीन लेगा और कहेगा कि आप अब शांत बैठो, आज तक आपने बहुत कुछ किया, अभी हम लोगों को करने दो, आगे बढ़ने दो। इस तरह से महिला आगे बढ़ सकती है और मैं कहता हूँ कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में ना शराब पीती, ना खर्रा खाती, ना गलत काम करती। तो महिलाओं का संघ जो है सदाचारी संघ है, उसमें नैतिक मूल्य रहने की वजह से वो महिलाओं का संघ एकमेक से मिलजुल करके रहने वाला संघ बन सकता है। हमें इस तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कलर रुकना है तो हमें, हमारे समाज में 50% महिला है, उस महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि महिलाओं में नैतिकता होती है, महिलाओं में पवित्रता होती है, वो कोई व्यसन में नहीं रहती और कोई गलत कामों में नहीं दिखाई देती। तो ऐसे महिलाओं का भी संघ हमें बनाना चाहिए और बनाने के लिए हमें सहाय करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। नैतिकता के जो नियम हैं, जैसे हमने बताया कि जो मापदंड है, जो हमारे स्तर है, वो जब तक हम समान नियम सभी के लिए समान ऐसे मापदंड नहीं रखते, समान हम नियम नहीं बनाते, तो जब तक समान नियम नहीं बनाते हम सभी के लिए, तो एक जैसा कैसे रह सकते हैं? अगर हमारे अलग अलग नियम है, अलग अलग विचारधारा है, तो पूरा समाज बिल्कुल मिलजुल के रह ही नहीं सकता। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सभी के लिए समान नियम बनाओ, सभी के लिए एक विचारधारा हो, भले हमारे अलग अलग नाम हो, भले हमारे अलग अलग नेता हो, लेकिन एक सभी के लिए एक ऐसा नियम हो जो हम मिलजुल कर रह सकते हैं, हमारे मापदंड एक हो सकते हैं, हमारे स्तर एक हो सकते हैं और हम मिलजुल के एक विचारधारा बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमने सोचे तो ये हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब को लगता है ये हो सकता है। बुद्धायन धम्मा में उन्होंने लिखा है कि ये हो सकता है और ये धम्म के आधार पर हो सकता है, क्योंकि ये बातें बाबा साहब ने बुद्धायन धम्म में लिखी है कि सभी के लिए समान नियम हो, अलग अलग पक्ष के लिए अलग अलग नियम नहीं होना चाहिए, उसमें तो हम अलग अलग बटे रहेंगे। जैसे हर एक जाति है, उपजाति है, उनके अलग अलग अगर नियम बनाएंगे तो हम जाति जाति में भी बटे रहेंगे, उपजातियों में भी हम अलग अलग बटे रहेंगे। तो हमें जातियाँ भी ख़त्म करना है, उपजातियाँ भी ख़त्म करना है। जातिवाद को हम लोग ही ख़त्म करेंगे, दूसरा और कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पहले हमारे जाति को हम ख़त्म करो, पहले हमारे उपजाति को ख़त्म करो और एक हो जाओ। जैसे आप देखेंगे यूपी में
हर एक अपने नाम के सामने बौद्ध लिखता है, गौतम लिखता है, सिद्धार्थ लिखता है। गुजरात में भी, राजस्थान में भी इसी तरह से अभी लिखना शुरू हो गया। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आदित्य बौद्ध, तो ये गुजरात का है, यूपी का है या फिर तेलंगाना का है, पता नहीं चलता, क्योंकि उसने नाम बदलाया। ऐसे महाराष्ट्र के लोग अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाएंगे, यानी जो हमारे सरनेम है वो जाति सूचक सरनेम है, हमारे सरनेम जाति को सूचित करते हैं। रामटेके आप बताएंगे तो अगला आदमी समझ जाएगा कि रामटेके तो बस वही है, लेकिन महाराष्ट्र का है रामटेके, ऐसे वो समझ जाएगा। लेकिन आप आशीष बौद्ध करके लिखेंगे तो आशीष बौद्ध ये यूपी का भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, तेलंगाना के भी हो सकता है, है तो बौद्ध, लेकिन आप कि वो कौन से राज्य का है, कौन से पूर्व जाति का है, ये पहचान नहीं सकते। हमारी पहचान इस जाति के आधार पर ही हमारी पहचान है, इसलिए हमारे नाम से पहचान है। तो हमारे नाम को और हमारे जाति को हमने बौद्ध के तरीके से हमने उसको परिवर्तन लाना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सभी के लिए समान नियम हो, समान नियम आप बनाएंगे। घर में सास के लिए वही नियम होना, बहू के लिए वही नियम होना, बेटी के लिए वही नियम होना और अपने पुरुष वर्ग के लिए वही नियम होना। अगर ये सभी के लिए समान नियम बन जाते हैं तो एक समता भाव से सभी लोग एक जगह रह सकते हैं। तो उसी प्रकार हमें समाज में भी समान नियम बनाने की आवश्यकता है। नियम तथा जो नियम और जो हमारे अनुशासन हो तो ये सब पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई दगाबाजी नहीं होना चाहिए। ये सब निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से, अपने पवित्र मन से ये सब बातें होना चाहिए। इस तरह से हम सोचते हैं कि ऐसा अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से हमारा कलह मिट जाएगा और हम एकजुट हो सकते हैं। तीसरी बात जो है नैतिकता में, ये जो महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्तिगत प्रगति के लिए जो व्यक्तिगत विकास है, आदमी की व्यक्तिगत प्रगति है, उसके लिए अपेक्षित संरक्षण की जरूरत होती है। हर एक आदमी के प्रगति के लिए, विकास के लिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। अगर हमारे में द्वेष पैदा हो गया, ये हो गया, तो हम व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो जो व्यक्तिगत प्रगति के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रगति के लिए संरक्षण अपेक्षित है, तो व्यक्ति के हित सुरक्षित नहीं रहते, व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता। कौन सी स्थिति में व्यक्ति के हित सुरक्षित नहीं रह पाते, व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता तो वो उसके जो कुछ कारण है, इस कारण के वजह से व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता। तो उसके जो कारण है, साधारणता दो कारण बाबा साहब ने बताए हैं कि जो दो कारणों के वजह से व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति असुरक्षित रहता है, सुरक्षित नहीं रह पाता और असुरक्षित रहता है। तो पहला कारण जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष, पहला कारण है जहां पे अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, जहां पे आदमी को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उसमें जो लाभ इवैल्यूएशन है उसमें
जो स्ट्रांग है, सशक्त है, वही आदमी आगे बढ़ सकता है। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन। आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास।